हाय गाइस, फेस्टिव सीजन शुरू होने ही वाला है और इसका मतलब है गिफ्टिंग सीजन। ये है नमा चॉकलेट और वो भी एक स्पेशल फ्लेवर में। नमा चॉकलेट मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, ऑलमोस्ट 12,000 रुपए किलो की मिलती है, लेकिन घर में हम इसे सिर्फ 600 रुपए में ही बना लेंगे। काफी एक्साइटिंग है ना। नमा चॉकलेट के काफी फ्लेवर्स आते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे एक इंडियन ट्विस्ट दें और बनाएं केसर पिस्ता नमा चॉकलेट। ये इंडल्जेंट चॉकलेट गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है। आज की इस चॉकलेट को बनाने के लिए मैंने सारा सामान अमेज़न से मंगाया है। अमेज़न ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल ऑन है 6 से 10 अगस्त तक। काफी मजेदार डिस्काउंट्स मिल रहे थे तो मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे व्हाइट चॉकलेट। ये है 250 ग्राम व्हाइट चॉकलेट। हमें अच्छी क्वालिटी की व्हाइट चॉकलेट लेनी है। कोशिश करिए कि आप कुवचर चॉकलेट यूज कर रहे हैं और कंपाउंड नहीं। कंपाउंड जो होती है वो तेल से बनती है और जो कुवचर चॉकलेट होती है उसमें होता है कोको बटर। हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी होती है वो ही डिटरमाइन करती है कि आपका फाइनल डिश कैसा बनेगा। चॉकलेट को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इस चॉकलेट को हम ट्रांसफर करेंगे इस बोल में। कांच का या फिर आप स्टील का भी बोल ले सकते हैं, प्लास्टिक का जो बोल है उसे अवॉइड करिए। चॉकलेट रखेंगे साइड पे। एक सॉस पैन में, यहाँ पे मैं क्रीम गरम कर रही हूँ, ये है फ्रेश क्रीम, करीबन 1/3 कप मैंने मेजर करके ली है। हम इसे गरम करेंगे, बॉईल नहीं करना है, बस इसे हम हल्का सा गरम करेंगे और उसके बाद गैस कर लेंगे बंद। थोड़ा सा जो ये क्रीम है मैं ले रही हूँ एक मोर्टार पेस्टल में और इसमें डालेंगे एक जेनरस पिंच केसर का। केसर जो है दो चीजें करेगा, एक तो रंग बहुत अच्छा देगा और दूसरा जो केसर का फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है। काफी अच्छा लग रहा है ये कलर। और ये जो क्रीम और केसर का मिक्सचर है हम इसे डालेंगे क्रीम के अंदर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मिक्सचर है ये गर्म है, मैंने गैस बंद कर लिया है और इसमें हम डालेंगे चॉकलेट। अभी जो चॉकलेट है वो क्रीम की वॉर्म्थ से अपने आप मेल्ट हो जाएगी। माइंड यू, गैस को ऑन नहीं रखना है इस स्टेज पे। धीरे धीरे आप जैसे इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे चॉकलेट सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। इसे थोड़ा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है बटर। मैं इसमें सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ। जो बटर की सॉल्टीनेस है वो इस चॉकलेट को अच्छे से बैलेंस करती है और साथ ही साथ इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा करती है। ये देखिए जो मिक्सचर है ये हो गया है तैयार। अब हमें लेना है एक ट्रे, तो यहाँ पे मैं एक मेटल ट्रे ले रही हूँ। इस पे मैंने यहाँ पे एक मोल्ड डाला है पार्चमेंट पेपर का। अब ये मोल्ड कैसे बनाते हैं इसकी लिंक को मैं ऊपर लिंक कर रही हूँ और ये सारा का सारा जो केसर व्हाइट चॉकलेट वाला मिक्सचर है इसे इस मोल्ड में डाल के रेफ्रिजरेट करिए 12 से 14 घंटे के लिए। और बस 12 से 14 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई होगी। माइंड यू ये बहुत ही डेलिकेट है, नमा का मतलब होता है फ्रेश। आपको ये चॉकलेट हमेशा रेफ्रिजरेटेड ही रखनी है। सबसे पहले एक पार्चमेंट पेपर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड पे लगाया और उस पे ये पिस्ता का जो पाउडर है वो मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए और जो चॉकलेट है उसे इसके ऊपर इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब हम धीरे धीरे ये जो पार्चमेंट पेपर है ऊपर का इसे हम निकालेंगे। यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। बहुत आसानी से ये निकल जाएगा लेकिन अगर आप पेशेंसफुली नहीं करेंगे तो जो आपकी चॉकलेट है वो हल्की सी डी शेप हो सकती है। तो बस इसे निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली निकल आया। इस पे हम और थोड़ा सा पिस्ता का पाउडर डालेंगे। जैसे मैं पिस्ता का पाउडर डाल रही हूँ आप रोज़ पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर रास्पबेरी पाउडर भी, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसे मैंने अच्छे से कोट कर लिया है इस पिस्ता पाउडर से। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए बिल्कुल शार्प सा नाइफ लेना है, उसे गर्म पानी में डिप करेंगे हम और ये देखिए बिल्कुल एक बार में हमें इसे कट करना है। अगर आप इसे इस तरीके से काटेंगे तो ये एकदम परफेक्टली कटेगा। दो जो कट्स है वो लगाने के बीच में नाइफ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है।
मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगता है नमक चॉकलेट को कट करना। आई रेकमेंड कि चॉकलेट को कट करने के बाद एक बार फिर आप फ्रिज में रखें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो नमक चॉकलेट है गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने गिफ्ट बॉक्सेस तैयार किए हैं और इसमें नमक चॉकलेट को ट्रांसफ़र कर लिया। दिखने में काफ़ी परफेक्ट लग रही है ना। आई होप ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अमेज़ॉन के ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। रेसिपी को जल्दी ही ट्राई करिए और एंजॉय।